आज हम वीगन मेयोनीज बना रहे हैं जिसमें तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ। ब्लेंडर जार में हम 100 से 150 ग्राम भिगोए हुए काजू डालेंगे, एक बड़ा चम्मच चीनी, एक बड़ा चम्मच बारीक पिसा हुआ येलो मस्टर्ड, एक छोटा चम्मच नींबू का रस, एक छोटा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटा कप पानी और एक छोटा चम्मच हल्दी का डालकर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब आपकी मेयोनीज हो गई तैयार। चलिए अब इसी को इस्तेमाल करते हुए और फ्लेवर्स बनाते हैं, जैसे कि मिंट मेयोनीज। उसके लिए हम कुछ साफ पत्ते मिंट के लेंगे और कुछ धनिए के। फिर हम डालेंगे एक हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक। एक बड़ा चम्मच पानी का डालकर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार फिर ब्लेंड कर लेंगे और ये हो गई आपकी मिंट यानी पुदीना मेयोनीज तैयार। अब हम बना रहे हैं स्पाइसी चिली मेयोनीज, जो आपके बर्गर, सैंडविचेस या और किसी स्नैक के साथ बहुत अच्छी लगेगी। पहले बनाई हुई मेयोनीज में हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स का, कुछ लहसुन की तुरियां और एक बड़ा चम्मच केचप का। इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक बारी ब्लेंड कर लेंगे और ये हो गई आपकी चिली मेयोनीज तैयार। अब आपने देखा कि घर पे मेयोनीज बनाना कितना आसान है और बाजार में मिलने वाली मेयोनीज के मुकाबले ये कितनी हेल्दी भी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा।